दोस्तों, कभी हार मत मानिए, यकीन रखिए आप सब कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। तो इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो देखें आपके पास कितने लॉज हैं, 5 लॉज हैं। तो सबसे पहले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, वो कुछ लॉज के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करती हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द सर्टेन लॉज। द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द सर्टेन लॉज, मतलब कुछ जो केमिकल रिएक्शन होती हैं वो केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट कैसे करती हैं, कुछ लॉज के अकॉर्डिंग। उन्हीं लॉज को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे बोलेंगे हम लोग? द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द सर्टेन लॉज, दीज रिएक्शन आर नोन एज, दीज लॉज आर नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एंड दीज आर फॉलोइंग एज। नंबर फर्स्ट, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एंड लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। आपके पास 5 लॉ हैं। पहला लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड कौन सा है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। फिर थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एंड फोर्थ वन इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एंड लास्ट वन इज लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, जिसको हम लोग गे-लुशाक लॉ के नाम से भी जानते हैं, गे-लुशाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द सर्टेन लॉज, दीज लॉज आर नोन एज केमिकल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। These are of 5 category. Number first, law of conservation of mass. Second one is law of definite proportion या constant proportion. Third one is law of multiple proportion. Fourth, law of reciprocal proportion. And fifth one is Gay-Lussac's law of gases volume या law of combining volume. तो इन लॉ को हम लोग एक एक करके समझते हैं, सभी लॉ की क्या है, एक एक लॉ पढ़ेंगे और उस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज पहला चलेगा अपने पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, समझ लें। आपके पास लिखा है दिस लॉ डील्स विद द मासेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग किसको डील करते हैं, रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट के मास को डील करते हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग। और इस लॉ को सबसे पहले किसने दिया था, एंटनी लेवोजियर ने। किसने दिया था, एंटनी लेवोजियर, जिसको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इस चीज को इन्होंने कब दिया था, 1774। पूरा नाम क्या था, एंटनी लेवोजियर, जिनको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो आप बोलेंगे दिस लॉ डील्स विद द मासेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड दिस लॉ इज गिवन बाय द एंटनी लेवोजियर इन 1774। तो अब यहां पे इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट कैसा होना, विल बी सेम। तो यहां पे ध्यान दें, इन आ फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। बिल्कुल सिंपल है, मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंग फिजिकल और केमिकल चेंज के दौरान भी उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। इन आ फिजिकल और केमिकल चेंज द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट, या सेकंड हम वर्डों में कैसे बोल सकते हैं, दूसरी भाषा में और करके डेफिनेशन दी जो बचपन में आप पढ़ते आ रहे थे कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये भी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जिसको बाद में आइंस्टाइन ने मॉडिफाई कर दिया था। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन आ फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, एंड सेकंड डेफिनेशन आप देखना चाहेंगे मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के समझते हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या बताना चाह रहा हूं। तो देखें, मैं एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बात कर रहा हूं, दैट इज मैं अगर कहूं आपसे व्हेन फिजिकल चेंज अंडरगोइंग, तो हम लोग यहां लिखेंगे व्हेन मैटर अंडरगोइंग आ फिजिकल चेंज। क्या करा रहे हैं हम मैटर का, फिजिकल जब चेंज करा रहे हैं, अंडरगोइंग अ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज से क्या फर्क पड़ना है, क्या नहीं पड़ना, उसको देखते हैं हम लोग। तो देखें यहां पे
कि अगर मैंने मान लो सपोज करो यहां आइस लिया और आइस को मेल्ट कराया, मेल्ट कराऊंगा तो क्या मिलने वाला अपने को? वाटर। सबको क्लियर है? अपने को क्या मिलने वाला है? मैटर। तो यहां पे आप देखें, यहां पे आप देखें कि आइस को जब मेल्ट कराया गया तो क्या प्राप्त हुआ? मैटर। तो यहां पे इनके फिजिकल चेंज के दौरान इनके वेट में कोई चेंज नहीं आएगा, इनके वेट में कोई चेंज नहीं आएगा, चीज को ध्यान रखें। मैं क्या बात कर रहा हूं कि आइस को जैसे ही मेल्ट किया वैसे ही हमें मिला मैटर। तो यहां पे एक चीज और देखें, इट इज फाउंड दैट, इट इज फाउंड दैट देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन वेट दो दो आ फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस। मतलब क्या है वो समझ लें कि यहां पे हमने आइस को लिया मेल्ट कराया, किसी भी मैटर का हम लोग फिजिकल चेंज देख रहे हैं, तो आइस को लिया मेल्ट कराया वाटर प्राप्त हुआ, तो दोनों जगह हमने देखा दोनों के वेट में कोई चेंज नहीं हुआ जबकि फिजिकल चेंज रिएक्शन में हो चुका है। फिजिकल चेंज होने के बावजूद भी उसके वेट में कोई चेंज नहीं हुआ, दैट मींस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, दैट मींस आइस इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, दैट मींस वाटर। अब एक चीज और देख लें इसी में हम लोग, अगर कोई भी हम केमिकल चेंज करा के देख ले रहे हैं तो यहां पे हम सेकंड लेके चलेंगे, बी लेके चल रहे हैं, ये हमारा ए था। व्हेन मैटर अंडरगो आ केमिकल चेंज, अंडरगो आ केमिकल चेंज, तो केमिकल चेंज होने के दौरान भी देख लेते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहां पे क्या लिया, एक मेटल लिया कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब मैंने ब्रेक कराया तो ये किस में टूटा? Ca2+ और CO3 2-। ओवरऑल होगा क्या कि कार्बोनेट आयन फर्दर ब्रेक होगा CO2 और ऑक्साइड आयन में, और यहां से कैल्शियम आयन एक्सचेंज रिएक्शन के दौरान क्या कर लेगा? CaO बना लेगा। तो जो मेन रिएक्शन अपने को प्राप्त होगी वो रिएक्शन क्या होगी? वो मेन रिएक्शन अपने को जो प्राप्त होगी वो आएगी यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट गिब्स, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब इसको हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे तो इसको हम लोग जब ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के दौरान हमें कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज होती हुई मिलेगी। तो यहां पे ध्यान दें, अगर मैं इनके टोटल मास की बात करूं रिएक्टेंट के, तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मास में देखूं तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ये 3 × इसका होता है ऑक्सीजन का 16, क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम है तो 3 × 16। इधर हमने देखा कैल्शियम का हो गया 40 और ऑक्सीजन का हो गया कितना? 16। इधर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को देखा तो कार्बन का 12 प्लस का 2 × ऑक्सीजन का 16। इसको देखा हमारे पास ये 44 यूनिट आया और इसको देखा यहाँ पे हमारे पास 56 आया और यहाँ पे हमने देखा तो ये कितना आ जाएगा? 100। ये 48 और ये कितना हो जाएगा? 12, 60 और 40 इतना। अब हम टोटल मास अगर देखना चाहें, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या ये बात यहां से सेटिस्फाई हो रही है? तो रिएक्टेंट का टोटल मास 100 है और इधर इधर देखा हमने 56 प्लस का 44, तो इधर हमने देखा कि 100 इक्वल ये कितना आ रहा? 100। तो ये बात बिल्कुल भी सेटिस्फाई है, मतलब केमिकल चेंज हो या फिजिकल चेंज हो, उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास में कोई डिफरेंस नहीं होता, मतलब मास दोनों के कैसे होंगे? सेम होंगे। इस चीज को आप समझ चुके हैं। एक बार फिर से देखें कि अगर मैं बात करूं यहां पे, जैसे मैंने लिया कि ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, तो पार्टिसिपेट कर रहे ये हमारे क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट, और जो न्यू सब्सटेंस तैयार होता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट,
इस तरीके से अपने लोग बचपन में हाईस्कूल में सीख के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट का जो मास होगा, इसका जो मास होगा वो हमेशा इक्वल होगा प्रोडक्ट के मास के। इतनी चीज इसमें बताई गई है, चाहे फिजिकल चेंज हो या ड्यूरिंग द केमिकल चेंज। तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बोल देंगे, दिस लॉ इज स्टेबलाइज्ड बाय द एंटनी लेबोजियर इन 1774 एंड इन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन अ फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट और मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जिस चीज को हमने एक बार फिजिकल चेंज करा के भी एग्जाम्पल में देखा और एक बार हमने केमिकल चेंज करा के भी देखा, इस चीज को हम लोग आगे देखते हैं किस तरीके से और समझ सकते हैं। इसको हम कुछ क्वेश्चंस के जरिए भी समझ के देखेंगे, कुछ इस पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं। जैसे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहां से और चीजें आपको भी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहला अपने पास क्वेश्चन है वो देखें यहां पे, कि इस क्वेश्चन में आपको समझना है सबसे पहले क्या है कि 216.59 ग्राम मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, गिव्स 200.59 ग्राम मरकरी एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन सो दैट इट कंफर्म्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो यहां पे आप देखें, सबसे पहले हमारे पास मर्क्यूरिक ऑक्साइड का मतलब HgO, जो हमें क्या मिल रहा है इससे, एक तो मरकरी मिल रही है Hg, जब इसको हीट करेंगे तो ये मरकरी मिल रही है हमें, और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हाफ O2, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा किस फॉर्म में होती है, O2 की फॉर्म में स्टेबलाइज होती है, O2 की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्योंकि इधर ऑक्सीजन एक है तो बैलेंसिंग करने के लिए या तो आप यहाँ 2 करिए तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 1 मोल आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑक्सीजन बनाए रखने के हाफ मोल लेके चल रहे हैं। अब इस चीज को देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप देखें यहाँ पे इसका मास कितना दिया, इसका मास जो हमें दिया है वो कितना दिया है आपको, 216.59 इतने ग्राम, और इसका मास कितना दिया है, 200.59 ग्राम, और इसका मास ऑक्सीजन का कितना दिया है आपके पास, 16 ग्राम। अगर मैं इस चीज को देखूं यहां पे, तो यहां से क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस चीज को देखना है, सो दैट इट कंफर्म्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहां से आप क्या देख सकते हैं, टोटल मास चेक कर लें, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का टोटल मास तो कंपाउंड दिया है अपने पास, तो वो तो 216.59 ग्राम है। अब यहां से हमारे पास टोटल मास ऑफ किसका निकालना है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट देखना है। तो प्रोडक्ट का टोटल मास क्या हो जाएगा, तो 200.59 ग्राम प्लस का 16 ग्राम, इसको देखें क्या ये अपने पास 216.59 ग्राम आ रहा है। यस आ रहा है। अगर आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, हैंस यहां पे लिख सकते हैं, देयरफोर इट कंफर्म दैट इट कंफर्म दैट दिस लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज सेटिस्फाइड, लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फुली सेटिस्फाइड। बहुत आसान है, केवल हमने क्या किया, दोनों के मास गिविन थे, गिविन होने के दौरान हमने ये देखा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मास इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो ये इस लॉ को क्या कर रहा है, कंफर्म हो गया कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या कह रहा है, व्हाट वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का वेट पूछा गया है जो इतने ग्राम NaCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या प्रोड्यूस हो रहा है अपने पास, AgCl के साथ साथ सोडियम नाइट्रेट। तो ये कैसे रिएक्शन हुई उसको भी समझ लो, वैसे यहाँ रिएक्शन करके नहीं देखनी है, सिंपल आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। सिल्वर नाइट्रेट किसमें ब्रेक होता है, सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन में, NaCl Na प्लस और Cl माइनस में। आप यहाँ से जब आयन एक्सचेंज रिएक्शन को देखना स्टार्ट करेंगे तो ये AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और यहाँ से ये सोडियम नाइट्रेट मिल जाएगा। पर अपने को यहाँ पे इस चीज से मतलब नहीं है कि कैसे रिएक्शन हुई, अपने को मतलब है क्या, यहाँ से फाइंड आउट क्या करना,
AgNO3 का कितना वेट इसके साथ रिएक्ट करेगा कि ये इतने इतने ग्राम प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ को फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोगों ने इसको किया होगा। तो इसका वेट अपने को पूछा है x, मान लो x, और यहाँ पे कितना ग्राम दिया है 0.585 ग्राम, और इसके लिए कितना ये प्रोड्यूस हुआ 1.435 ग्राम, और ये कितना प्रोड्यूस हुआ 0.85 ग्राम। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या था, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का टोटल मास कर लो 0.585 ग्राम, और इधर टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट देख लो 1.435 ग्राम प्लस का 0.85 ग्राम। तो यहाँ से जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.585 ग्राम, और यहाँ से इसको ऐड कर लीजिए, जल्दी से ऐड करिए 5, 3, 8, 11, 1, ये तो 5 आया, 5, 3, 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 3, 8, और ये 4, 8, 12, ठीक है 1 कैरी, तो इतने ग्राम आ गया। अब इस चीज़ को यहाँ से x की वैल्यू देख लीजिए, तो 2.285 में से हम लोग माइनस करेंगे 0.585 को, तो ये सिंपल है आपका, ये भी ग्राम है, तो आप ब्रैकेट के बाहर कर लीजिए। यहाँ से आप इसको देखें तो अपने पास क्या आने वाला है, x की वैल्यू आप इसमें से माइनस कर लें तो देखें 1.70 ग्राम आपका फाइनल ये आंसर हो गया। चेक कर लें, जीरो यहाँ पे कितना आ रहा, जीरो और 12 - 5 = 7 और यहाँ पे 1, ठीक ये अपना आया किसका वेट, दिस इज द मास ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट, ये किसका मास है, मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अगर इतना मास सिल्वर नाइट्रेट का इतने ग्राम NaCl के साथ रिएक्ट करे तो इतने इतने ग्राम आपके ये AgCl और NaNO3 आपके प्रोड्यूस होंगे। ये पूछा था कितना ग्राम AgNO3 रिएक्ट करेगा इतने ग्राम NaCl के साथ जिससे कि इतने इतने ग्राम के ये प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस होंगे। तो आपने बता दिया कि भाई अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, रिएक्टेंट का टोटल मास, प्रोडक्ट का टोटल मास, वहां से आपने एक चीज अननोन थी जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें इस क्वेश्चन में क्या है, 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3 जिसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों बोल सकते हैं। तो यहां पे क्या कह रहा है, इज एडेड टू द 15 ग्राम एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड आप लोग जानते हो CH3COOH, इसको कहने के बाद कह रहा है कि CO2, यहां पे आप समझ लें ये CO2 लिखा हुआ है, फॉर्म्ड इज अलाउड टू एस्केप, जो CO2 फॉर्म हो रही है वो एस्केप होने के लिए है। तो कह रहा है द वेट ऑफ द सॉल्यूशन लेफ्ट इज 18 ग्राम, CO2 के अलावा जो भी सॉल्यूशन का वेट है वो 18 ग्राम है, मतलब CO2 के अलावा जो भी प्रोडक्ट बनेगा उस पूरे सॉल्यूशन का जो वेट है वो 18 ग्राम है। कह रहा तो वेट बताइए CO2 का कितना फॉर्म हुआ। तो पहले तो यहां से देखते हैं, कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि रिएक्शन कैसे कंप्लीट करें। तो यहां से एक्चुअली क्या होता है कि NaHCO3 को हम इस तरीके समझ सकते हैं कि सोडियम पे भी पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनेट पे क्या होता है 2-, और यहां पे एसीटेट एसिड जो होता है वो कुछ एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन देता है एसिटिक एसिड। तो होगा यूं, क्या होने वाला है कि कार्बोनेट फर्दर ब्रेक हो जाता है CO2 और ऑक्साइड आयन में। तो यहां पे जो ऑक्साइड आयन वाटर जो होता है ये इस तरीके से H2O, 2H और एक ऑक्सीजन, 2+ और 2- न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इस तरीके से आपको क्या मिल जाता है H2O। H2O के साथ साथ आपको और क्या मिलने वाला है, यहां से देखें आपको यहां से सोडियम, यहां से आपको जो मिलने वाला है वो और क्या है, ये सोडियम एसीटेट भी मिल जाएगा यहां से, और रिमेनिंग क्या रह जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से जो अपने को मिलने वाला है वो क्या है, अपने पास CH3COONA, और यहां पे साथ में क्या है, मैं इसको एक बार यहां से रफ कर दे रहा हूं। अब यहां पे जो मिलने वाला है वो CH3COONA प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एस्केप हो रही है। अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे हमने रिएक्शन लिखी वो आपको देखने को मिल रहा है। यहां पे जल्दी से देखें कि अगर मैं बात करूं यहां पे, अगर मैं बात करूं यहां पे समझें, तो यहां पे हमारे पास
इस चीज का कोई रोल नहीं है, अभी हम इसको हटा रहे हैं। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट कह रहा है कितना ऐड किया, तो 6.3 है इसका वेट दिया गया है 6.3 ग्राम, और ये एसीटेट कितना ऐड किया, एसिटिक एसिड 15 ग्राम। ये कह रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड, कितना अमाउंट इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मिलेगा, फॉर्म होगा, इसको बताना है। ये आपका क्वेश्चन मार्क है। और जो इसके रिमेनिंग जितना भी सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा, उसका जो वेट है वो अपने को दिया है 18 ग्राम। कितना दिया, 18 ग्राम। तो वह सिंपल हो गया। अब आप क्या लिखना चाहेंगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, शॉर्ट में लिख लिया। तो देखिए टोटल मास कितना होगा रिएक्टेंट का, 6.3 ग्राम प्लस का 15 ग्राम, और यहां से अपने पास क्या आएगा, 18 ग्राम प्लस का x, प्लस का x। तो यहां से x की वैल्यू आपको निकालनी है, x इसका अमाउंट है, CO2 का है, तो यहां पे कितना आने वाला है, आप इसको चेक कर लें जल्दी से। ये 21.3 हो गया, और यहां पे माइनस का 18 कर देंगे इतना ग्राम, दैट मींस आपका कितना आ गया, 3.3 ग्राम। इतना एस्केप होगा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही पूछा था कि कितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का एस्केप होगा अगर रिमेनिंग सॉल्यूशन 18 ग्राम है और ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि रिएक्शन कैसे लिखी है और किस तरीके से हमने अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू हमने अमाउंट प्राप्त कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म होगा। तो जल्दी से इस चीज को आप समझ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का आप मतलब समझ चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें और। देखिए आपके पास एक नोट लिखा हुआ है, नोट समझ लें, यहां पे नोट समझ लें। यहां पे क्या कह रहा है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज हेल्प्ड इन स्टेबलाइजिंग द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। मतलब कि इस लॉ के अकॉर्डिंग या इस लॉ की हेल्प से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की हेल्प से हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी समझ सकते हैं। ये उसको समझाने में मददगार होता है, मददगार साबित हुआ। कैसे, जब हम उसको पढ़ेंगे तब इस चीज को जानेंगे। और उसके साथ साथ इस लॉ को मॉडिफाई किया गया और इस लॉ का नाम रख दिया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये पाया गया किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान ये पाया गया कुछ मास एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है। तो आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग E बराबर MC स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि जब कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इसको मॉडिफाई करके क्या बोल दिया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। मतलब क्या है, ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन सम मास इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, सम मास इज कन्वर्टेड इन टू द एनर्जी ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन, ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन सम मास इज कन्वर्टेड इन टू द एनर्जी अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इक्वेशन E बराबर MC स्क्वायर, वेयर M इज द मास लॉस्ट एंड C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। देयरफोर दिस लॉ इज मॉडिफाइड एंड दिस लॉ हैज बीन मॉडिफाइड एंड इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। इस चीज को आप ध्यान दें, लिखा हुआ है आपके पास जो मैं बोल रहा हूं, ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन सम मास इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इक्वेशन E बराबर MC स्क्वायर। यहां पे क्या है, MC स्क्वायर, वेयर M इज द मास लॉस्ट एंड C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। देयरफॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज बीन मॉडिफाइड एंड नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। इस चीज को क्लियर कर सकते हैं आप अभी यहां पे। और यहां से फिर जो डेफिनेशन बन के आई है, जो मॉडिफाइंग लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन बन के आई है, तो पहले क्या डेफिनेशन थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, कि इन आ फिजिकल या ड्यूरिंग द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। यहां पे क्या आया है कि ड्यूरिंग द फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास एंड एनर्जी, टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट रिमेन कॉन्स्टेंट, ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। लिखा है द टोटल सम ऑफ द मास एंड एनर्जी, टोटल सम ऑफ द मास एंड एनर्जी इन फिजिकल और केमिकल चेंज इज ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। मतलब फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, यहाँ पे जो मास एंड एनर्जी है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, वो हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा पहला कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक बार जल्दी से देखते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द सर्टेन लॉज, अकॉर्डिंग टू द सर्टेन लॉज द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द सर्टेन लॉज, दीज लॉज आर नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड दीज आर फाइव कैटेगरी। कितने होते हैं, दीज आर फॉलोइंग एज फाइव टाइप्स। तो पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, जिसको हम लोगों ने आज पढ़ा। फिर कल जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमें पढ़ना वो क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, नेक्स्ट लॉ ऑफ किसका पढ़ना हमें, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, एंड द लास्ट वन इज गेलुशक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। तो आज हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि दिस लॉ इज स्टेबलाइज्ड बाय द एंटनी लेवोजियर इन 1774 एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल मास
ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट ड्यूरिंग द फिजिकल और केमिकल चेंज, और हम इसको दूसरी लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. आपने देखा व्हेन मैटर अंडरगोज द फिजिकल चेंज, तो आपने आइस को वाटर में कन्वर्ट करके देखा कि वहाँ वेट में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा. दैट मीन्स यहाँ पे फिजिकल चेंज होने के बावजूद भी वेट में कोई चेंज नहीं हुआ. एक बार हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके, और हीट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक किया, वहाँ पे देखा हमने कि केमिकल चेंज के दौरान उनकी मासेज में कोई फर्क नहीं आ रहा है. तो ये इन लॉ को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं. फिर इसको हमने कुछ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश की, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखी इसमें, जो कि तीन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मैंने धीमे धीमे आपको एक एक करके एक एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आपको समझाया. उसके बाद हमने देखा एक नोट को जिसमें यह बताया गया है कि इस लॉ के हेल्प से हम लोग इसको समझ सकते हैं आसानी से, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को. उसके बाद हमने इस डेफिनेशन को जो मॉडिफाई किया गया था, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को कन्वर्ट करके क्या बोल दिया गया, जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी. तो उसके बारे में बताया, ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन सम मास इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इक्वेशन यू आवर एमसी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास इज लॉस्ट एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर दिस लॉ हैज बीन मॉडिफाइड एंड इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी. एंड लास्ट में क्या बताया है, मॉडिफाइंग इक्वेशन क्या निकल के आती है कि इन फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ एनर्जी, द टोटल मास एंड द एनर्जी इज ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट. आप इस चीज़ को प्यारे बच्चों आराम से समझने की कोशिश करें, प्रॉपर वे में नोट्स बनाते रहें. और मैं आपको बता दूं, अभी हमारा पहला चैप्टर दोनों जगह मिल रहा है आप लोग, आपको एप्लीकेशन और यूट्यूब पे. फिर आपको केवल एप्लीकेशन पे वीडियो, आपको किसी लेक्चर में अगर 35 वीडियोज़ हैं तो एप्लीकेशन पे 35 पहुंचेंगी, चैप्टर की सभी वीडियोज़ एप्लीकेशन पे मिलेंगी. और YouTube पे फिर आपको 10 वीडियो, क्योंकि YouTube पे मैं और भी क्लासेस को लेके आ रहा हूँ. तो आपको अगर कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्स करना हो अपना इसी ईयर में, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें उसको. और केमिस्ट्री का कोर्स, फुल केमिस्ट्री का कोर्स करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं स्पार्टन लर्निंग ऐप को. बस इसी तरीके से आप घर पर मेहनत करते रहिए. और एक चीज़ बता दें कि रही लाइव क्लास की बात, तो जल्दी से ऐसा सेटअप बन के तैयार आ रहा है जिससे कि हम लाइव क्लासेस के दौरान आपकी कुछ डाउट प्रॉब्लम्स या पीछे का रिवीजन या एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स वगैरह, एक एक क्वेश्चन है एग्जाम्पलर हुआ, चाहे वो एग्जाम्पल हुए, चाहे वो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चंस हुए, या वो किसी भी चैप्टर का, जैसे जैसे हम चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे लाइव क्लासेस पे उसका रिवीजन भी आता रहेगा. तो आप केवल घर पर बैठे स्वस्थ मन से बस पढ़ते रहें. इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू.